आप मुझसे पूछ रहे थे कि अभी कैरेटिन और स्मूदनी के बाद आप अपने बालों की केयर किस तरह से कर रहे हो, तो वो भी हमारे साथ शेयर कीजिएगा। तो शैम्पू की बात बताऊँ तो मैंने वही शैम्पू जो मतलब कि जो जिस भी ब्रांड का आप ट्रीटमेंट करवाते हो तो वो प्रेफर करते हैं कि आप वही यूज़ करें, तो मैंने भी मैट्रिक्स का करवाया था, वही शैम्पू यूज़ कर रही हूँ। कंडीशनर मैं खुद का ही ले रही हूँ। मैंने उनसे काफ़ी देर तक बात भी की थी कि क्या मतलब फ़र्क पड़ता है, तो उन्होंने ही मुझे बताया कि नहीं, सारे प्रोडक्ट्स में जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं सेम ही रहते हैं, थोड़ा बहुत फ़र्क होता है, तो कोई दिक्कत नहीं है अगर आप कोई और कंडीशनर भी इस्तेमाल करते हो। तो मैं जो मेरे पास यूजुअली मैं मामाअर्थ के शैम्पू और कंडीशनर यूज़ करती थी, तो वही मैं कंडीशनर अभी यूज़ कर रही हूँ। और बाकी रह गई बात इसकी सीरम की, तो सीरम मैं बहुत कम यूज़ कर रही हूँ। अगर बहुत ज़्यादा कभी मुझे कभी ट्रैवल पे जाना है, बाइक वगैरह पे जाना है, तो फ्रिज जैसे बाल अगर मेरे होते हैं तभी मैं यूज़ करती हूँ, और वो मैं लॉरियल का ही कर रही हूँ क्योंकि मैं पहले भी वही कर रही थी, तो वही मैं मतलब यूज़ कर लेती हूँ। काफ़ी बचा हुआ था तो मैंने कहा नया क्यों लेकर के आना, और जब उन्होंने मुझे अच्छी तरह से डिटेल में बताया कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता है इन सब चीज़ों का, तो क्योंकि देखिए ब्रांड को भी थोड़ा सा मतलब आप समझते हो, तो वो प्रेफर करते हैं कि उन्हीं के प्रोडक्ट्स यूज़ करें, इसलिए वो फोकस करते हैं उस चीज़ पे। और वो ये चीज़ भी बोलते हैं कि ऑयलिंग नहीं करनी है, रेमेडी तो बिल्कुल ही नहीं लगानी है अपने बालों में। तो मैंने वो सारी चीज़ें भी पहले ही दिन से आपके साथ रेगुलरली शेयर भी कर रही हूँ और यूज़ भी कर रही हूँ। नतीजा कि मेरे बाल जो है ना, जो थोड़ा बहुत झड़ना स्टार्ट हुए भी थे ना, वो बंद हो गए हैं अभी, और मतलब बालों की ग्रोथ भी अच्छी हो रही है। अभी अभी एक महीना होने देते हैं, उसके बाद मैं आपको पूरा रिजल्ट दिखाऊंगी कि एक महीना पहले बालों की लेंथ क्या थी और अब क्या हो गई है। और ये टोटल डिपेंड करता है आपकी केयर पे, और केयर होती है जो आप अपने बालों को पोषण देते हो, अपने बालों की जो जड़ें हैं ना उनमें पोषण नहीं जाएगा तो बाल कहाँ से ग्रो होंगे। और रही बात उनके लॉजिक की कि उन्हीं के प्रोडक्ट्स को यूज़ करो, तो वो लॉजिक ये रहता है क्योंकि भाई उनको भी तो अपनी दुकानें चलानी होती हैं, और अगर आपके बाल फिर ड्राई ड्रेमेज उस तरह से नहीं होंगे ना, तो दोबारा स्पा करने थोड़ी ना आप दोबारा उधर सैलून में जाओगे, नहीं जाओगे ना। जब मैंने 3 साल पहले अपने बालों को स्मूथ करवाया था ना, तो मैंने उसके बाद कोई स्पा नहीं लिया था, कुछ नहीं किया था। अभी तक भी आप देख लेना पीछे के कोई भी वीडियो उठा करके, मेरे बाल बहुत ही अच्छे थे अभी तक भी। बस जस्ट मुझे ही लगा हुआ था कि थोड़ा सा मतलब जो ग्रोथ होती है ना, मेरे काफ़ी लंबे हो गए थे बाल, तो फिर मैंने वो टचअप कराने के लिए खाली कराया था। फिर उन्होंने बोला कि नहीं पूरे में ही करनी पड़ेगी। मैं क्या कर लो, अब एक बार आई गई हूँ तो कर लो। फिर अभी मैं केयर करूँगी। जब केयर करोगे तो केयर का यही मतलब होता है कि जब भी आपको अपने बालों को वॉश करना है ना, तो उससे पहले कुछ ना कुछ रेमेडी जरूर अप्लाई कीजिए अपने बालों के हिसाब से, मतलब जो आपकी प्रॉब्लम है। अगर आपको हेयर फॉल हो रहा है तो मैंने आपके साथ आज ही रेमेडी शेयर की। अगर आपको खाली बालों को काला करना है, घना लंबा करना है, तो वो भी मैं आपके साथ पहले शेयर कर चुकी हूँ रेमेडी। तो मैं बदल बदल के यूज़ करती हूँ, अगर अपना एक्सपीरियंस बताऊँ, क्योंकि मुझे अपने बालों को नेचुरली भी काला भी रखना है, क्योंकि लेंथ इतनी ज़्यादा अच्छी है, अगर ऊपर से बाल काले सफ़ेद आएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा ना, तो वो चीज़ मैं यूज़ करती हूँ। और बाकी हेयर फॉल का मैंने आज आपको बता दिया, अगर बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है, इंस्टेंटली आपको रोकना है, तो इस रेमेडी को आप जरूर फॉलो कीजिए। और बाकी रही बात शैम्पू कंडीशनर की, वो तो यूजुअली सभी करते ही हैं, मतलब ऐसा तो नहीं है कि वे नहीं करते, तो बस वही केयर होती है और इसके अलावा कोई केयर नहीं होती। बस हाँ, रेमेडी का खास ख्याल रखना चाहिए। जब भी आपको अपने हेयर वॉश करने हैं ना, उससे पहले आधा घंटा पहले कुछ ना कुछ अप्लाई जरूर कीजिए। नेचुरल इंग्रेडिएंट आपको कभी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, फायदा ही देंगे, कुछ ना कुछ फायदा जरूर होगा ही होगा। तो ऐसी है बात। बाकी ऑयलिंग का भी प्रॉपर ध्यान रखना चाहिए। तो मैं अपनी रेमेडी में ही मिक्स कर लेती हूँ, कोई झंझट नहीं रह जाता, दोनों जो पोषण होते हैं मुझे मिल जाते हैं, और बस। तो आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, नॉलेजेबल लगा होगा। इसी तरह के और भी अच्छे अच्छे वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लेना, तभी नेक्स्ट आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते हैं। और वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक भी जरूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, बाय।